हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर 10 के बारे में, ठीक है, जो कि लेक्चर 9 का ही अगला पार्ट है। दिस इज पार्ट 2, ओके, ऑन इरेशनल इनइक्वालिटी। इसमें तीन पार्ट आएंगे। इस सेकंड पार्ट को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे, किस पे, इरेशनल इनइक्वालिटीज पे। ये जो सवाल है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सभी ट्रिकी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इसलिए ध्यान से बनाना, ठीक है, और इसे आप कंसंट्रेट होकर के देखो, अदरवाइज आप सीख नहीं पाओगे कि इसमें कहाँ क्या ट्रिक लगा, ठीक है। मैं आपको रिकैप करवा दे रहा हूँ। इससे पहले हम लोग एक मेथड यूज किए थे, दैट इज कॉल्ड पेरेंट मेथड, ओके, जिसमें कितने स्टेप्स होते थे, S1 to S5, ठीक है। अब उस पेरेंट्स मेथड को हम लोग कहाँ यूज करते थे, किस सिचुएशन में, जब कुछ ऐसा था, याद करो, x+1> x या ग्रेटर देन इक्वल टू x, ठीक है। तो मैंने बताया था, जब ग्रेटर देन इक्वल टू का केस रहे, तब हम लोग किसका यूज करेंगे, पेरेंट मेथड का, ठीक है। तो क्या हमेशा जहां भी ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा वहां यूज करना जरूरी है, क्या ऐसा मैंडेटरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो, यहां पर x की वैल्यू हमें नहीं पता है, x पॉजिटिव भी हो सकता है, यहाँ नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है ना। तो इसलिए यहाँ पर s1 से लेकर के s5 तक जाना यहाँ पर जरूरी है, यहाँ पर कंपलसरी है। आप नहीं करोगे तो आपका आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है, और हो सकता है एरर आ जाए। लेकिन अभी जो हम लोग प्रॉब्लम्स ले रहे हैं, इसमें ग्रेटर देन भी वाले हैं, देखो यहाँ भी, और लेस देन वाले भी हैं, ठीक है। हम लोग एक एक करके देखते हैं सवाल को। तो चलो पहले सवाल की तरफ चलते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज √(x-2)= 3, ठीक है। अब सोचो, यहाँ पे मैं आपको एक्चुअली सोचने के लिए सिखा रहा हूँ, है ना, क्यों, क्योंकि देखो हम लोग क्या किए थे, S1 to S5। आप एक बार सोचना सीख जाओगे तो फिर आपसे खुद सवाल बनने लगेगा, है ना, यही मकसद है इस चैनल का। तो देखो, S1 to S5 हम लोग क्यों लगाते थे, क्योंकि इस तरह का रहता था जिसमें इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता था कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, क्या है, कुछ भी पता नहीं रहता था। इसीलिए स्टेप वन के बाद हम लोग स्टेप टू और स्टेप थ्री सिर्फ किसके लिए रहता था, राइट साइड वाले के लिए, और स्टेप फोर में तो कुछ करते ही नहीं थे, इस दोनों का यूनियन लेते थे, और स्टेप फाइव जो था वो यहां से जो स्टेप फोर आया और इंटरसेक्शन स्टेप वन, आपको याद होगा, ठीक है। लेकिन अब जो सवाल आया उसमें देखो, इस थ्री के बारे में, थ्री को हम लोग पहचानते हैं, क्यों, क्योंकि थ्री क्या है, पॉजिटिव है, ये नंबर लाइन पर राइट साइड में आता है ना, क्लियर। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको इस तरह से पांच स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि थ्री तो फिक्स हो गया ना, थ्री तो सिर्फ पॉजिटिव है। अब इसका जीरो और नेगेटिव होने का तो कोई चांस है ही नहीं, तो हम लोग स्टेप टू और स्टेप थ्री क्यों करें, हम लोग ऑलरेडी स्टेप वन इसमें लगाएंगे, और स्टेप वन के बाद हम लोग ऑलरेडी कहां जंप कर गए, उस मेथड को याद करो, पिछले वाले मेथड को, तो हम लोग कहां जंप कर गए, एस टू पर डायरेक्ट, एस थ्री की कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो थ्री तो कभी लेस देन जीरो तो हो ही नहीं सकता ना, क्लियर हो रहा है। तो हम लोग एस वन को लगाएंगे, एस टू को लगाएंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, कोई भी सवाल हो, चाहे वो लेस देन वाला सवाल हो, चाहे ग्रेटर देन वाला कोई भी प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, आपको स्टेप फर्स्ट तो सब में करना है, समझ में आ रही है बात। स्टेप फर्स्ट क्या है कि स्क्वायर रूट के साइन के अंदर जो भी क्वांटिटी है उसको क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्यों, तभी तो क्या होगा, स्क्वायर रूट डिफाइन हो, समझ में आ रही बात। तो यहां से क्या आ गया हमारा, x > 2, ये हमारा s1 आ गया, और जो भी आंसर आता था आपको याद होगा, इसी से हमारा आंसर आता था और इसके बाहर आंसर नहीं जाता था। अब क्या आया, s1, ठीक है। अब ध्यान से देखो सवाल, सवाल में क्या लिखा हुआ है, एक साइड नॉन नेगेटिव लेस देन इक्वल टू, ये भी क्या है, नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव है ना, नॉन नेगेटिव वाली गुण तो है ही थ्री के अंदर,
मतलब ये इस तरह का केस हुआ, किस तरह का, कि 5 less than equal to 9, इस तरह का केस हुआ, क्लियर। तो अब क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, x-2 less than equal to 9, क्लियर। दिस इंप्लाइज, अब यहां पे क्या हुआ, दिस इंप्लाइज x less than equal to 11, 2 को इधर ले आया, क्लियर। अब क्या है, ये हमारा आ गया स्टेप 2, स्क्वायरिंग करना है यहां पे। जैसे ही स्क्वायर किए, स्टेप 2 आया और स्टेप 1 ऑलरेडी हमारे पास है, तो फाइनल आंसर क्या होगा, इस दोनों का इंटरसेक्शन। क्यों, क्योंकि अब आगे जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि 3 हमारा क्या है, वो हमेशा पॉजिटिव है, वो ना तो 0 हो सकता है ना नेगेटिव, तो ना स्टेप 3 होगा, ना स्टेप 4 आएगा और ना स्टेप 5 आएगा। ओके, तो स्टेप नेक्स्ट स्टेप में ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं फाइनल आंसर यहां पे लिख दे रहा हूं, तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, S1 इंटरसेक्शन जो हमारा यहां आया S2, क्लियर। तो क्या आएगा देख लो, एक क्या है हमारा, एक 2 से ज्यादा है और एक 11 से छोटा है, तो इसीलिए फाइनल आंसर क्या होगा, x belongs to 2 to 11, ये डायरेक्ट लिखने के लिए आना चाहिए आपको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक। चलिए एक बार आंसर मैच करा ले रहे हैं, आंसर इज 2 to 11। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, या इसी में और कुछ डिस्कस करते हैं, कि मान लो कि कभी किसी ने ऐसा कर दिया, देखा सवाल कि हाँ चलो ये देखा कि भाई यहाँ तो स्क्वायर रूट है, करो जल्दी जल्दी स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग करके आंसर लिख दो। तो देखो, यदि वो स्क्वायर कर दिया डायरेक्ट और इस स्टेप को नहीं किया, और डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया यहाँ से, ये वाला स्टेप कर दिया डायरेक्ट, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, x less than equal to 11, जबकि आंसर क्या है 2 to 11, और इसका सिर्फ मतलब क्या है x less than 11 का, -∞ to 11 closed, तो उसका आंसर क्या आया, ज्यादा आ गया ना आंसर। तो यही जो -∞ से 2 तक जो उसका ज्यादा आंसर आ गया, -∞ to 2, यही हमारा किस तरह का रूट हुआ, एक्सट्रेनियस रूट, मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो उस दिन को, याद करो इसलिए पढ़ाया था उस दिन, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अच्छा, यहां पर क्या आया, यहां पर एक स्क्वायर रूट साइन है नॉन नेगेटिव, और दूसरे साइड क्या है, देखो ध्यान से, एक एक्स है, ठीक ना। अब इस एक्स का क्या है कंडीशन, क्या क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, और नेगेटिव हो सकता है, क्लियर। तो यहां पर फिर फंस गए, फिर हम लोग दिमाग लगाने लगे कि सर क्या S1 to S5 तक जाया जाए, मैं बोलूंगा नहीं, जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें ग्रेटर देन नहीं है। हाँ, तो देखो कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सोचो पहला स्टेप क्या था, कोई भी सवाल रहे, मैं फिर रिपीट करता हूँ, ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, कोई भी सवाल हो आपको स्टेप 1 तो करना ही करना है, ठीक है। तो स्टेप 1 के अंदर क्या है, स्क्वायर रूट साइन के अंदर की क्वांटिटी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x less than equal to 1, क्लियर, यहां से आ गया। अब क्या करना है, अब ध्यान दो, ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है अंडर रूट 1 minus x less than x, अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल करके देखो कि ये पॉसिबल कब है, कब ऐसा हो सकता है। तो देखते हैं x के साइन को अलग अलग स्टडी करते हैं, मान लो x पॉजिटिव होगा तो किस तरह का सिचुएशन होगा, 5 less than 9, इस तरह का, दूसरा और ये 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, तो इधर नॉन नेगेटिव है तो 0 less than 0 ये भी पॉसिबल नहीं है, है ना, नॉन नेगेटिव, ये नॉन नेगेटिव होता है तो उसमें 0 भी होता है ना, और कोई पॉजिटिव मान लो 2, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना, तो 0 वाला केस तो ले ही नहीं सकते। अब लेते हैं नेगेटिव, क्या ऐसा संभव है कि नॉन नेगेटिव लेस देन माइनस 2 हो जाए, ये देखो 0 इवन 0 नहीं ले सकते हम लोग, तो नेगेटिव थोड़ी ना ले सकते। तो यहां से क्या क्लियर हुआ, ध्यान दो थोड़ा सा, ये लॉजिकल है, ट्रिकी है यहां पे, कि ये जो कंडीशन है ये वैलिड ही तब होगा जब हमारा राइट साइड वाला जो एक्स है वो क्या हो, पॉजिटिव हो, समझ में आ रही है बात, पॉजिटिव होगा तभी वैलिड होगा, क्यों, क्योंकि 0 वाला भी केस नहीं ले सकते और नेगेटिव वाला भी केस नहीं ले सकते।
तो यहां से साफ क्लियर हो गया कि सर जब भी हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन इसके साथ तो लेना ही लेना है, लेकिन उसके साथ एक्स भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर? तो चलो यहां पर पहले लिख देते हैं, फॉर दिस स्टेप एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, यही ट्रिक है यहां पे। हाँ, और टिप्स क्या है? टिप्स ये है कि ऐसा नहीं देखे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कर दिए फटाक से, वो नहीं करना है, फिर आपका कंसेप्ट बेकार हो जाएगा और आईआईटी तो आपको इस तरह से घुमाएगा कि आप घूम जाओगे, सवाल नहीं बनेगा और घूमते घूमते एग्जामिनेशन हॉल से बाहर हो जाओगे और आपसे सवाल होगा ही नहीं। ठीक है, अब आ जाओ इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्क्वायर करो तो क्या आ गया, वन माइनस एक्स, और लेस देन इधर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। ओके, अब क्या आया, एक्स स्क्वायर, सबको इधर लेके चले आते हैं, एक्स प्लस में और माइनस वन, और क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। ओके, अब आपको पता होगा इसका फैक्टर, यदि पता नहीं है तो आप रट लो, है ना, इसका फैक्टर रट लो, गोल्डन नंबर लोग बोलते हैं इसको, एक्स माइनस माइनस वन प्लस रूट फाइव अपॉन टू, इसका एक फैक्टर हुआ, और दूसरा एक्स प्लस माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू। आप ये इसको फैक्टर करोगे ना, इसको श्रीधर आचार्य लगाओगे तो अपने आप ये आ जाएगा ना। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ग्रेटर देन के केस में हम लोग क्या करते थे, तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, तो छोटे से छोटा कौन है, माइनस वन माइनस रूट फाइव बाई टू, और बड़े से बड़ा कौन है, माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू। ओके, ये हमारा आ गया आंसर, लेकिन ये मत भूलो कभी कि इसमें क्या है, x ग्रेटर देन जीरो है, तो पहले इसका और इसका इंटरसेक्शन लो। ठीक है, तो देखो एक पॉजिटिव है x ग्रेटर देन जीरो, तो नेगेटिव वाले का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो इसके इंटरसेक्शन में आएगा ही नहीं, तो जो इंटरसेक्शन हम लोग लेंगे, एक जीरो से बड़ा है और दूसरा माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू से बड़ा है, तो जीरो कैसे होगा, देख लो इसे, यहां जीरो होगा और यहां होगा माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू। क्यों? क्योंकि रूट फाइव की वैल्यू कितनी, 2.23, यहां रखोगे तो ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी, कुछ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट आ जाएगी जो कि जीरो से बड़ा ही होगा, तो एक जीरो से बड़ा है और एक क्या है, इससे बड़ा है इन्फाइनाइट तक, तो दोनों कहां मिल रहा है, यहीं पर, तो इसका जो आंसर आएगा यहां तक इस स्टेप का, वो आएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू से इन्फाइनाइट। बट इसका इंटरसेक्शन अभी किसके साथ लेना है हमें, इसके साथ जो हमारा एस वन है, तो देखो एक वन से छोटा और एक इससे बड़ा, ठीक है, तो वन जब भी होगा, अब ध्यान से देखो, इससे बड़ा ही होगा। हाँ, तो एक इससे बड़ा और एक वन से छोटा, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, इसके और इसके बीच का नहीं आ जाएगा, देख लो, इसलिए आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू से वन, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो चलो मैच करा ले रहे हैं आंसर, तो रूट फाइव माइनस वन बाई टू टू वन, तो देखो वही होगा, वही है रूट फाइव माइनस वन बाई टू टू वन क्लोज्ड, रूट फाइव बाद में लिखे हैं और वहाँ आंसर में पहले लिखा हुआ है, बस इतना ही फर्क है। अब समझ में आ रही है बात, अब फिर मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे कि देखो ये सारा मेथड जो है वहीं से आया है, स्टेप वन और स्टेप टू से ही हमारा पूरा सवाल बन जा रहा है। अब देखो यहाँ पर कि यदि किसी ने गलती से इधर स्क्वायर रूट देखा और इधर एक्स देखा, लेस देन को देखा और स्क्वायर कर दिया, तो यदि वो स्क्वायर कर देगा तो क्या होगा, देखो, और ये वाला स्टेप नहीं करेगा, स्टेप वन नहीं करेगा, तो उसका आंसर कितना आएगा, ध्यान से देखो, उसका आंसर कितना आएगा, इसका और इसका इंटरसेक्शन जो होगा वही होगा, तो चलो आंसर कितना आएगा, माइनस वन रूट फाइव से इनफाइनाइट, ध्यान से देखो, है माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू से इनफाइनाइट, ये आंसर आ जाएगा, जबकि आंसर क्या है, माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू टू वन। हाँ, तो आंसर देखो, ये आंसर छोटा है इससे, है ना, तो क्या आया, यदि वो डायरेक्ट स्क्वायर कर देगा तो क्या आ गया, यहां पर एक्सट्रेनियस रूट फिर से आ गया। हाँ, तो अब आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा कि किसको एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है बात, चलते हैं
नेक्स्ट सवाल की तरफ। अच्छा, ये तो बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बहुत बढ़िया, मन खुश कर देने वाला सवाल है। देखो अब क्या है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि सर सबसे पहला काम क्या करना है, स्टेप वन, तो चलो करो। तो एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज एक्स ग्रेटर देन टू, यही है ना हमारा थॉट प्रोसेस, इसी तरह से सब सवाल कर रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं स्टेप टू के अंदर। स्टेप टू में फिर वही बात, माइनस वन को एक बार यदि ये नेगेटिव हो गया तो क्या ये पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है, है ना। तो यहां पर हम लोग सवाल को एक बार वर्ड में लिख लेते हैं। तो इधर क्या है, नॉन नेगेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव। आहा, ये तो हमेशा ही होता है, हम लोग तो कितनी बार इसको पढ़े कि फाइव जो है वो इसको चांद पर लेकर चले जाओ या इसको मंगल ग्रह पर लेकर चले जाओ, फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू तो होगा ही, है ना, फाइव तो हमेशा होगा। मतलब कोई एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी किसी भी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी के से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो ये x बिलोंग्स टू r के लिए वैलिड, क्लियर, कोई दिक्कत। अब तो आंसर क्या आ जाएगा, इसलिए s1 इंटरसेक्शन क्या s2। अच्छा, किसी किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा यहाँ पे कि क्या सर हमेशा इंटरसेक्शन ही लेना है। तो देखो सोचो कैसे हम ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर इंटरसेक्शन लेना है और कहाँ पर यूनियन लेना है। इंटरसेक्शन वहां लेना होता है जहां क्या हो, एंड का हमें क्या हो, एंड का कंडीशन लगे, है ना। और कहां लेते हैं यूनियन, कहां लेते हैं, जहां और, है ना, और जहां रहता है वहां यूनियन लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे लिखा हुआ है एक्स प्लस वन लेस देन टू लेस देन थ्री। अब इसमें दो बातें हैं कि एक्स प्लस वन ग्रेटर देन टू भी होना चाहिए और एक्स प्लस वन लेस देन थ्री भी होना चाहिए, ये दोनों ही है, तो किससे जुड़ा हुआ है, एंड से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमेशा इस दोनों का इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। और यूनियन में जैसे x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन माइनस 5, तो यहां और है तो इस दोनों का यूनियन लेते हैं, समझ में आ रही है बात, क्लियर। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या है, स्क्वायर रूट भी डिफाइन होना चाहिए और साथ में ये जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन से भी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो अब देखो क्लियर हो गया यहाँ पे। तो S1 है हमारा क्या, x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इतना S1 इंटरसेक्शन S2। अब S1 इंटरसेक्शन S2 लेंगे तो कितना आ गया, देखो तो x ग्रेटर देन इक्वल टू टू ही आ गया यहाँ तक, हाँ। अब हम लोग जैसे इसको देखे, ठीक है, अब स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर किए तो क्या आया, x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू वन, दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन इक्वल टू टू प्लस वन, सो x ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। अच्छा, अब ये भी बात आ गई कि भाई x ग्रेटर देन इक्वल टू एक टू है और एक x ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री है। तो अब आप ध्यान से देखो कि क्या इसकी जरूरत है, ये जो स्क्वायर की इसकी जरूरत है, बिल्कुल नहीं है। यही खूबसूरती है हमारा पिछले वाले पेरेंट मेथड का। आप ध्यान से देखो कि अपना आंसर यही आ गया, अब कोई स्क्वायर करके x ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री लाया। अब क्यों लाया, क्योंकि उसको लगा कि स्क्वायरिंग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो यही मिस्टेक हो गया। कैसे मिस्टेक हुआ, तो पहले हम फाइनल आंसर लिख दे रहे हैं, ये अपना फाइनल आंसर है x ग्रेटर देन इक्वल टू टू। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री आंसर क्यों नहीं होगा, अब बताते हैं। आप तो पहले ही यहां पर डिफाइन कर चुके हैं, है ना, तो नॉन नेगेटिव ग्रेटर देन नेगेटिव तो हमेशा होता है, तो यहीं से फाइनल आंसर आ जाएगा। स्क्वायरिंग तो हमारा क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा पार्ट आप ले रहे हो, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। यदि आपने ऐसा कर दिया तो आप देखो ध्यान से क्या आया आंसर, x ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, जबकि आंसर क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू टू। स्क्वायरिंग करने की कोई जरूरत ही नहीं है, सारा कंडीशन इसी दो स्टेप्स में खत्म हो गया। पहला स्टेप में आपने रूट को डिफाइन कर दिया और दूसरे स्टेप में आपने इस ग्रेटर देन इक्वल टू के कंडीशन को डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो आंसर हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू टू ही होगा।
अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में देख लो, यहाँ पे 2 होता है और यहाँ पे 3, ये 3 से ज्यादा और ये 2 से ज्यादा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट टाइम हम लोग देख रहे हैं कि रूट लॉस का कंडीशन क्या है। जो कोई डायरेक्ट स्क्वायर करके आंसर लाया होगा उसका रूट लॉस हो गया, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 उसका आंसर आएगा, जबकि अपना आंसर क्या है 2 to इनफाइनाइट, ओके। तो 2 से 3 का जो पोजीशन है ये क्या हो गया, रूट लॉस। समझ में आई बात? इतना रूट आपने छोड़ दिया, छूट जाएगा आपको यदि आप डायरेक्ट स्क्वायर करके आंसर लिखना चाहोगे। तो एक बार आंसर मैच करा ले रहे हैं, देखो आंसर इज 2 to इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये ट्रिक चल रहा है सब, ट्रिकी क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहला, जैसे पहले हम लोगों ने किया, क्या करेंगे, दोनों ही स्क्वायर रूट को पहले डिफाइन करेंगे। अब यहां पे ध्यान दो, दोनों ही तो क्या मतलब है यहां पर, एंड का, ये भी डिफाइन होना चाहिए और ये भी डिफाइन होना चाहिए। तो स्टेप फर्स्ट में हम लोग पहले इस रूट को डिफाइन करते हैं, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्लियर। दूसरे इसको डिफाइन करते हैं 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो एक्स लेस देन इक्वल टू 3। समझ में आ रही बात? तो फाइनल आंसर जो हम लोग स्टेप 1 का लिखेंगे वो इस दोनों का क्या, इंटरसेक्शन। तो वो कितना आएगा बोलो, वो आ जाएगा इंटरसेक्शन लेने के, ये 3 से कम और ये 1 से ज्यादा, तो 1 टू 3 आ गया ना, एक्स लाइज बिटवीन 1 टू 3, ठीक है। ये आपका स्टेप 1 का आंसर है। अब दूसरे स्टेप के लिए देखते हैं क्या करना है। अब देखो हमेशा हम क्या बताया आपको, स्टेप 2 के अंदर सवाल को क्या करते हैं हम लोग, वर्ड में लिखते हैं। तो देखो इधर क्या है, नॉन नेगेटिव, ग्रेटर देन क्या, नॉन नेगेटिव। अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो ग्रेटर देन है और दोनों साइड नॉन नेगेटिव है, तो क्या यहाँ पे हम लोग S1 से लेकर के S5 तक नहीं जाना चाहिए? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ जो राइट साइड में क्वांटिटी है वो नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव के बारे में हमें पहले से पता है, या तो ये जीरो होगा नहीं तो पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, तो जीरो ग्रेटर देन जीरो तो ले ही नहीं सकते। तो यहाँ पर किस तरह का कंडीशन होगा, 3 ग्रेटर देन 2 जैसा, ऐसा। तो ये वैलिड है, समझ में आ रही है बात? तो हम पहले से जान रहे हैं इसके बारे में, इसके साइन के बारे में पहले से पता है कि ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि ये इक्वल टू जीरो भी हुआ तो हम लोग उसको नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि जीरो ग्रेटर देन जीरो तो होता ही नहीं। समझ में आ रही है बात, क्लियर। इसीलिए हम लोग यहाँ 5 स्टेप तक नहीं जाएंगे। अब अगले स्टेप में कहाँ थे हम लोग, नॉन नेगेटिव ग्रेटर देन नॉन नेगेटिव, अब स्क्वायर कर देंगे, करो। स्क्वायर करने के बाद क्या होगा बोलो, स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा, इधर आएगा एक्स माइनस 1 और यहाँ कितना आएगा 3 माइनस एक्स। सॉल्व कर लेते हैं, इसको उधर ले गया तो कितना आ गया, चलो कोई बात नहीं, उधर माइनस 2x, ठीक है, इसको भी उधर ले गया तो कितना आया प्लस 1, तो 4 ना, और लेस देन 0, ठीक है। अब क्या करें, माइनस 2x लेस देन माइनस 4, सो x ग्रेटर देन 2, क्यों, क्योंकि माइनस 2 से डिवाइड कर दिया, और हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं कि नेगेटिव से डिवाइड करने के बाद क्या होता है, साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है ना, कोई दिक्कत यहां तक। अब क्या करेंगे, एक 2 से बड़ा और एक 1 से 3 के बीच, इसी का जो इंटरसेक्शन होगा वो अपना आंसर आ जाएगा, बाकी कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। तो क्या आएगा बोलो, इंटरसेक्शन फाइनल आंसर लिख रहे हैं, बोलो आंसर क्या आएगा, एक 1 2 3 है और दूसरा 2 से ज्यादा है, तो नहीं आ गया, 1 के बाद 2 आएगा तो 2 2 3 हो गए, और 2 हो जाएगा हमारे क्या, एक्स बिलोंग्स टू 2 ओपन और 3 क्या आ जाएगा, क्लोज। दिस इज योर आंसर। चलिए एक बार मैच करा ले रहे हैं आंसर को तसल्ली के लिए, 2 2 3, 3 क्लोज 2 ओपन, ओके। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, दिस इज वेरी 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 ट्रिकी क्वेश्चन। हाँ देखो अब क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ तो काफी स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे, हम तो कहते हैं 95% स्टूडेंट जो है यहाँ पे मिस्टेक करेंगे, वो तो जैसे ही देखेंगे अपना जो आइंस्टाइन वाला जो तलवार होता है ऐसा वाला ऐसे चलाएंगे, यस कट गया, और अपना आंसर आया x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3,
समझ में आ गई बात। उसका दिमाग जो आइंस्टाइन पार्ट टू के जैसा जो रहता है ना, वो लगाएगा फटा। और ये आंसर, ये बिल्कुल ही गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि आप स्टेप को याद करिए ना, मैंने आपको क्या बताया कि सवाल किसी भी तरह का, आपको पहला काम क्या करना है, स्क्वायर रूट को डिफाइन करना है। तो दोनों में तो सेम ही स्क्वायर रूट है, तो एक्स को क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। समझ में आ रही है बात? तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये हमारा आ गया एस वन। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे इसको, अब इसको जब एक बार स्क्वायर रूट को डिफाइन कर दिए, अब क्या करेंगे, अब यहां आइंस्टाइन वाला दिमाग लगाएंगे, इसको उड़ा देंगे, ठीक है। और अब आएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री। ये जो अपना स्टेप टू हुआ, ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, स्टेप वन के साथ। ये जो अपना स्टेप वन हुआ ना, ये रहा, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन कितना आएगा बोलो, एक है माइनस थ्री से ज्यादा, इधर आया होगा माइनस थ्री, एक माइनस थ्री से ज्यादा इन्फाइनाइट तक, और दूसरा जीरो से ज्यादा, ओ तो जीरो यहां होगा, तो जीरो से ज्यादा ये रहा, ओके। तो इसीलिए दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ आएगा, जीरो से ज्यादा। सो एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फाइनाइट, ये आपका फाइनल आंसर। समझ में आ रही बात, एक बार चेक कर ले रहे, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पांच क्वेश्चंस थे इस वीडियो के अंदर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। और इस वीडियो का कार्यक्रम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है।